Khan. I'm a consultant cosmetic surgeon by profession and I'm working as a student fellow plastic surgeon burns. आज हमारे साथ बड़े स्पेशल क्लाइंट है नवीद भाई, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और ही इज वर्किंग एज आईटी स्पेशलिस्ट इन अ फर्म इन न्यूयॉर्क. और हमारे लिए बड़े एजाज की बात भी है कि ही हैज ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क टू आवर क्लिनिक एट इस्लामाबाद. और नवीन भाई ने ये क्यों चूज किया तो यही मालूम होगा. हमने वीडियो का मकसद ये है कि हम आपको दिखाएं कि यूजली जो है जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनकी हेयर लाइन रिसीड होना शुरू होती है, मतलब तो बाल आपके आगे से गिरना शुरू होते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं. उनके आगे की हेयर लाइन प्रिजर्व है और टॉप ऑफ दी हेड पे यहाँ से बढ़ना चाहिए. मगर मैंने प्लान इस तरह किया है कि मैंने वो तमाम एरियाज टारगेट किए हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि बाल फ्यूचर में भी गिरेंगे. आप अगर अंदर से देखें और से, तो मैंने ये सारा एरिया रेड किया है और हेयर लाइन भी थोड़ी सी थिन हुई है, तो मैंने हेयर लाइन को भी ऐड करने की कोशिश की है. तो नवीन भाई, आपने कॉस्मेटिक को क्लिनिक क्यों चूज किया, आपको कैसे पता चला? आपने ये जो आखिरी अल्फाज बोले हैं, सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने वो चीज सेलेक्ट की जो इन द फ्यूचर इज गोइंग टू अफेक्ट मी. सो ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस एंड ऑब्वियसली विद रेफरेंस फ्रॉम माय अंकल हु रियली नोज यू पर्सनली एंड गुड खालिद. So that's one of the reasons, and he's quite famous and he's very good what he does. Thank you very much. Thank you very much for trusting us and basically referral from his uncle. Uncle is in the army. He's a retired colonel. And inshallah, hopefully, hum inka bahut acha transplant karenge so that we get more clients from New York. Inshallah. Thank you. Assalamu alaikum. This is a machine. Basically, I'm not a barber, I'm a cosmetic surgeon. Magar ye hair transplant ka ek bada basic step hai ki aapne. आपके हेयर हमें ट्रिम करने पड़ते हैं, बेसिकली जीरो नंबर मशीन से आपके बाल ट्रिम करने पड़ते हैं. और उसका रीजन ये है कि नबी भाई वाज आस्किंग कि आप इसी में, मुझे किसी ने कहा था कि आप हेयर ट्रिम ना करें, आप इसी में ही बाल लगाने पड़ेंगे आपको, मतलब लगा सकते हैं. और उसे यूजली लोग एडवर्टाइज भी करते हैं कि विदाउट शेव या शेव लेस हेयर ट्रांसप्लांट. उसका नुकसान ये होता है कि आप अगर करीब से दिखाएं तो मैंने इन तमाम एरियाज में छोटे छोटे होल्स बनाने हैं जिसमें मैंने बाल लगाने हैं. अब अगर आप इन इस एरिया में लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगी लगाने में, क्योंकि आपके बाल हैं और बाल के होल्स बनाने में और बाद में फॉलिकल्स इंसर्ट करने में भी डिफ़िकल्टी होगी. अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको ट्रिम करना और मैं आपको फौरन दिखाता हूँ कि अब क्या कंडीशन बनेगी. अगर आप करीब लाएँ, अब अगर आप देखें तो आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि आपके कौन कौन से एरियाज खाली हैं. इस एरिया में काफ़ी सारे डेंस हेयर थे तो हमें यहाँ पे सुराख बनाने में और हेयर फॉलिकल इंसर्ट करने में मुश्किल होती. अब आप मुझे मालूम है कि किस किस एरियाज में स्पेसेस हैं जहाँ पे मैं बाल लगा सकता हूँ. अच्छा, दिस इज स्टेप वन जो था वो हेयर ट्रिमिंग का था और हमने देखें हेयर ट्रिम कर लिए और दिस इज द कंडीशन. मैंने पहले से मार्क कर लिया था उस एरिया में, ये तो मुझे पता है एग्जैक्टली कि यहाँ पे मुझे बाल लगाने ही लगाने, क्योंकि ये एरिया वैसे भी बड़ा क्लियरली पता चला था कि यहाँ से बाल नहीं. उनका कंसर्न भी यही था, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि अंधेरे हेयर लाइन जो है उसमें कोई बाल ऐड किए जाए. मगर मैं बेसिकली इंटरेस्टेड हूँ, मुझे लगता है कि इस एरिया में बाल नहीं थे क्योंकि मैंने वीडियो शुरू में दिखाए भी हैं और इस एरिया को मैंने रेड किया है और इस एरिया को भी रेड किया है. और अगर आप नीचे करके देखें तो ये वाला एरिया है जहाँ पे बाल नहीं है. इस एरिया में ठीक थे बाल, मगर मैं इसमें भी ऐड करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि पूरा सर जहां जहां पे बाल चाहिए वो तमाम एरियाज को हम ऐड करें. नाउ स्टेप टू इज कि हम ये जो सर हमने शेव किया है इसको अच्छे तरीके से बायोडिन से वॉश कर लें. वॉश करने के बाद हम इनको ड्रेस चेंज कराएंगे और ड्रेस चेंज कराने के बाद हम थिएटर लेके जाएंगे. थैंक यू. ओके, नाउ एक स्टेप मैंने ना स्किप किया है, वो स्टेप था जिसमें हमने इंजेक्ट किया, यानी कि लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया हमने, उसमें कुछ सिरिंजेस हमने से सॉल्यूशन हमने बनाया तो हमने इंजेक्ट किया ताकि एरिया सुन हो जाए. अब तो दिस इज अ वेरी फाइन ब्लेड, इसके जरिए हम साइड्स बनाएंगे. कुछ मैं बना चुका हूँ और यू कैन सी दिस इज अ पेनलेस प्रोसीजर. नाउ जितना पेन था वो इंजेक्शन में शुरू में हो गया और इस ब्लेड के जरिए मैं छोटी छोटी साइड्स बनाऊंगा उस तमाम एरिया में जिसमें मैंने मार्क किया है. ओके, थैंक यू. Okay, we are done with the hair transplant of Nabil Bhai. Now he's with us, so let's ask him his experience.
नबील भाई कैसा रहा आपका? Quite professional people, amazing work. I think I'm more than happy. I have no words to say. The staff is amazing. Dr. Kamal himself is amazing. The office, location, access, everything is up to date. And I would highly recommend people should come and look better. Thank you very much.